इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र में कपास से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई। इस दौरान दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। देखिए ये रिपोर्ट। इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र में अज्ञात कारणों से कपास के भरे ट्रक में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। हालांकि ट्रक चालक और क्लीनर ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। जब तक आग पर काबू पाया जाता, सफेद सोना यानी कपास जलकर स्वाहा हो चुका था। वहीं इस पूरे मामले पर एएसआई दिनेश त्रिपाठी का कहना है कि आग किस कारण से लगी थी, यह जांच होने के बाद ही पता चलेगा। साथ ही कितने रुपयों का नुकसान हुआ है, इसका अंदाजा लगाना फिलहाल कठिन है। ये अभी आधा घंटे हो गया होगा, आयसर का मीटर रखा है, इस पर रुई भरी हुई है, इस पर आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड आ गई है, आग बुझ गई है। यातायात व्यवस्था किया गया है इधर उधर केंद्र आरम, और अब ये पता नहीं कि आग कैसे लगी है, लेकिन ट्रक में आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड आकर आग में काबू पाया गया है। गठाने तो ट्रक पूरा भरा हुआ था जी। अब ये तो कहना मुश्किल है कितने का होगा, लेकिन ट्रक भरा हुआ था रुई। नहीं, ऐसी जानकारी अभी तो नहीं मिली है, जाँच का विषय है। वहीं दमकल कर्मियों की मुस्तैदी के चलते आग पर काबू पा लिया है। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं हुई और आग लगने का स्पष्ट कारण भी पता नहीं चल पाया। मामले में जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।